हाई स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ डी वी स्कूल। एज यू नो, इन द क्लास 6 जी साइंस वी आर ऑन चैप्टर 7th, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। टुडे वी आर ऑन द टॉपिक लिविंग थिंग्स रेस्पायर। इट इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स The animals, including human beings, the process of respiration take place through their life. पूरी life तक हमारी respiration की process जो है चलती रहती है, animals की, humans की भी, जितने भी living things हैं। Plants also respire, plants भी respire करते हैं। They break down the food prepared during photosynthesis with the help of oxygen that they breathe in or release energy. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस। इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी इस ऐसे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब वो रेस्पायर करते हैं तब। नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स मूव्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करते हैं। मूवमेंट इज अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन और एंड फॉर देयर नीड्स। मूवमेंट्स कैन बी क्लियरली सीन इन द एनिमल्स। मूवमेंट जो है एक खास गुण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं अपने भोजन की या किसी प्रोटेक्शन की, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए मूव करते रहते हैं। इसको साफ साफ देखा जा सकता है। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, हाउएवर दे आल्सो मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड की वजह से प्लांट्स भी हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं। दिस मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स नॉट ईजीली नोटिसेबल। ये नोटिस नहीं की जा सकती। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, ये सूरजमुखी का फूल है, इसका मुंह जो है हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है। वो किसी जिस दिशा में जाता है उसके साथ साथ मूव करता है। रिस्पॉन्ड टू स्टीमली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टीमली सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड। किसी भी प्रकार की जो कोई टच हो गया, लाइट होगी या हीट होगी, उसको जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव फ्रॉम लाइट एंड सेलिन मीडिया। जो अर्थवर्म्स हैं सीलन वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं लाइट की बजाय, जहाँ पे अंधेरा हो। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली, द टिप ऑफ शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स लाइट। जो शूट सिस्टम होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है किसी भी पौधे का, वो लाइट की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता है। द ड्रॉपिंग ऑफ लीफ टच मी नॉट प्लांट इज रिस्पॉन्ड टू द टच स्टिमुली। जो लीफ पत्ता होता है वो क्या कहता है, टच को बड़ा मायने रखता है उसमें। अगर आप उसको टच करते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट्स व्हिच अगेन रिप्रोड्यूस। जो यंग होते हैं वो अडल्ट होने पर दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। दस द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पेशल स्पीसीज कंटिन्यू। इसी प्रकार से उनकी जो जाति प्रजाति होती है वो बची रहती है। सम एनिमल सच एज हैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जैसे मुर्गियां जो हैं वो अंडे देकर जीवी रिप्रोड्यूस करती हैं। ए फ्यू एनिमल सच एज काउ ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे गाय हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स। प्लांट्स जो हैं बहुत सारे, वो बीज के द्वारा जो है
रिप्रोड्यूस होते हैं। सम अदर रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट दे रिस्पॉन्ड थ्रू देयर स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स। कुछ जो वेजिटेटिव पौधे हैं रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन जो होती है उनकी उनकी तने के द्वारा पत्तों के द्वारा या जड़ों के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड रिमूव्ड एज द यूरिन। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेस्ट एंड रिमूव्ड थ्रू ब्रीथिंग। सभी जो हैं लिविंग थिंग्स वो अवशेष छोड़ते हैं, यूरिन मूत्र जो है वो एनिमल का वेस्ट होता है या यूरिया जो है एनिमल वेस्ट के रूप में बाहर एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स गिव्स आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमाटा। जो स्टोमाटा के द्वारा जो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधे के पत्तों के ऊपर, वहाँ से वो पानी और वे और मिनरल्स की फॉर्म में अपना वेस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पैन। सबका लिविंग थिंग्स का एक डिफाइंड लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल निर्धारित होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। इट मे बी वेरी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू आवर्स टू हंड्रेड्स ऑफ द ईयर। ये कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक या बहुत सारे सालों तक भी हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक हो सकता है। द लाइफ स्पैन्स ऑफ बैक्टीरिया जस्ट ए फ्यू आवर्स। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन जो है वो कुछ घंटे होता है। वेयर एज लाइफ स्पैन ऑफ द टोटोइज इज नियरली 120 ईयर्स। जबकि कछुए जो होते हैं उनका जीवन काल जो है वो 120 साल तक होता है। इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स लीव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। हम कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग एनिमल्स या जीव जंतु जो हैं वो अलग अलग जीवन काल बिताते हैं। अल्टीमेटली दे ऑल डाई। और अंत में कह सकते हैं कि सभी मरते जरूर हैं। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम। इसी तरह पौधे जो हैं वो भी कुछ समय बाद जरूर मरते हैं। डिफरेंसेस, लेट अस नाउ टैबलेट डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, आइए उसको पढ़ते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें लैक कमी होती है सेलुलर स्ट्रक्चर की। ग्रोथ, दे ग्रो इन हाइट वेट साइज एंड वॉल्यूम। नो ग्रोथ अक्कर। नॉन लिविंग में कोई ग्रोथ नहीं होती, जबकि लिविंग थिंग जो है हाइट वेट और साइज और वॉल्यूम में भी बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, फूड इज नीडेड फॉर एनर्जी परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए एनर्जी और कोई भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन। उनको किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी पाने के लिए ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और रिस्पायर करते हैं। दे डू नॉट ब्रीथ और रिस्पायर। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ब्रीथ करते ना ही रिस्पायर करते। मूवमेंट, दे आर एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स और बॉडी एज ए होल। ये अपने शरीर के अंगों को भी मूव कर सकते हैं और पूरे शरीर को भी मूव कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि उन पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली, ये हर एक स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। शो नो रिस्पॉन्स। रिप्रोडक्शन गिव बर्थ टू मोर ऑफ देयर काइंड। ये जन्म देते हैं अपने जैसे औरों को। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। एक्सक्रीशन, वेस्ट एंड अनवांटेड मटीरियल्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। इनके शरीर से अवशेष निकलते हैं। एक्सक्रीशन डज नॉट ऑकर इन दैम। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होता।
लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पैन, इनका फिक्स लाइफ स्पैन होता है, नो डिफाइंड लाइफ स्पैन, इनका कोई भी डिफाइंड लाइफ स्पैन नहीं होता। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसमें से आप कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ओके, दैट इज़ योर होमवर्क। नाउ बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।